अंदर कहीं कोई स्पॉट नहीं है। धौलाधार माउंटेन्स ढके हुए हैं बर्फ से, थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर गई है इनके ऊपर। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं निकल चुका हूँ एक और नई राइड पे। आज मैं जा रहा हूँ बगलामुखी माता जी के मंदिर। डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर का है यहाँ से उसका। बगलामुखी माता जी का जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और बहुत ही फेमस मंदिर है। अभी नगरोटा से इस ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने। आज मेरे लेफ्ट साइड में जो है नगरोटा बस स्टैंड है। ETA बता रहा है 12:43 का, 1 बजे पहुंचेंगे हम। चलो जी, मार्केट कर ली हमने क्रॉस। और ये खेत बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सो गाइस, यहाँ से हमें लेफ्ट लेके जाना है, बिकॉज ये रोड सीधा चला जाएगा। ये भी जाएगा आगे, बट ये लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा, कांगड़ा मार्केट के अंदर से घुस के जाएगा। और ये है बाईपास रोड है, और यहाँ से डायरेक्ट हम मार्केट को बाईपास कर देंगे। सो हम कांगड़ा में नहीं घुसेंगे जाके। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, और ये यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे नज़दीक में, सबसे बड़ा है गवर्नमेंट का। सो ये जो आ रहा है हाईवे ऊपर से, ये आ रहा है बया कांगड़ा मार्केट से होके, और हमें यहाँ से जाना लेफ्ट। ये जो मेरे राइट साइड में है ये है कांगड़ा फोर्ट, और कांगड़ा फोर्ट पे भी एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं। यहाँ से 19 किलोमीटर और है मंदिर। तो गाइस ये देखो, एक छोटी सी टनल आई है, और ये टनल पे अंदर कहीं कोई स्पॉट नहीं है। ऐसे पहाड़ को काट के बनाई हुई है, कोई इसमें सीमेंट नहीं लगाया गया, कुछ नहीं, ये देख सकते हैं। रोड का काम चल रहा है, जेसीबीज ने बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया। पाउडर लग रहा है, बहुत पहाड़ काट दिए इन हाईवेज के लिए, कितने बड़े बड़े पहाड़ों को काटा जा रहा है। ये शायद 4 लेन हाईवे बन रहा है। चल भाई, प्रगति हो रही है। प्रगति जो हो रही है वो प्रकृति के साथ छिड़खानी करने के बाद हो रही है। अब ये 4 लेन हाईवे के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। सहूलियत तो होगी, बट जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी बरसात के मौसम में वो देख लिया है, कुल्लू मनाली हाईवे देख लिया है सभी ने, कि पहाड़ों को काट के वो 4 लेन रोड बना तो था, बट प्रकृति ने उसका क्या हसर कर दिया। तो देख सकते हैं काम चल रहा है 4 लेन का। ऑफ रोड पैचेस भी मिल रहे हैं, अभी तक पूरी तरह बन के रेडी नहीं हुआ है हाईवे। यहाँ से 13 किलोमीटर और बचा है मंदिर का रास्ता। क्या हाईवे है, बन के जब रेडी हो जाएगा ना बहुत खूबसूरत होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं रानीताल, और मंदिर यहाँ से है 7 किलोमीटर और। और रास्ते के हालत थोड़ी सी ख़राब है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है 4 लेन का।
13 और 19 किलोमीटर बनखंडी में ही है ये जो मंदिर है ना, 7 किलोमीटर है एग्जैक्ट, 6.2 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप। 7 मिनट का रास्ता है यहाँ से मंदिर का। सो गाइस यहाँ से 350 मीटर पे है माता बगलामुखी जी का मंदिर, और पार्किंग तो स्टार्ट है यहाँ से, तो मे भी नीचे मोड़ पे होगा। माता जी का शायद आज बुलावा था हमें। ये है माता बगलामुखी जी का मंदिर, और यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगानी है। यहाँ गाड़ी कैसे घुसाएंगे भाई, यहाँ से घुसाएंगे। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं माता बगलामुखी जी के मंदिर में। यहाँ पार्किंग में लगा दी है बाइक हमने, और यहाँ से मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये है मंदिर का नज़ारा। तो चलते हैं करते हैं दर्शन, और आज मेरे साथ में मैथ्यू भी है। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो गाइस रास्ते में रोड था थोड़ा सा खराब, बट अच्छा है, 4 लेन काम चल रहा है रोड का। हर जगह पीला रंग देखने को मिल जाएगा। सो बोलते हैं कि माता बगलामुखी जी को जो है वो येलो कलर जो है उनका वो प्रिय था, तो हर जगह यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए हर जगह येलो है, इवन ये देखो ये येलो कलर, ऊपर येलो कलर, झंडा येलो कलर का, सब येलो कलर। सकते हैं हर जगह पीला रंग ही है, इन पंखे जो हैं यहाँ के पीले रंग के हैं। सो ये पीला रंग जो था माता बगलामुखी जी का प्रिय कलर था। ये जो सामने देख सकते हैं वो मंदिर का गर्भगृह है, और ये छोटा है, काफी छोटा है, तो एक टाइम पे यहाँ पे 3 से 4 लोग ही जा सकते हैं अंदर। और हवन जो चल रहा है इधर मंदिर में। अभी हम जब मंदिर के अंदर गए थे तो जो पुजारी जी थे उन्होंने मना किया कि अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। सो बगलामुखी माता जो थी, जन्म जो हुआ था वो ब्रह्मा जी की एक समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक शास्त्र था वो किसी दैत्य ने, किसी राक्षस ने चुरा लिया था और उसे ले जाकर पाताल में छुपा दिया था। वो राक्षस को ऐसा वरदान था कि वो ना जमीन पर मर सकता था ना पानी में। तो ब्रह्मा जी की समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का जाप किया, और माँ भगवती के जाप के बाद जो है माता बगलामुखी जी का ही एक रूप जो उत्पन्न हुआ, और उसके बाद माता बगलामुखी जी ने जो राक्षस था उसका वध किया और वो शास्त्र ले आके वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आपको दिखाया मैंने हवन, यहाँ पे 136 टाइप के हवन होते हैं इस मंदिर में, और इस मंदिर में बिटर्स एंड पॉलिटिशियन आके भी हवन करवाते हैं। बोला जाता है कि माता जी का जो हवन करने के बाद में 36 डेज में उसका परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ नीचे एक प्राचीन सी मंदिर है, ये सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ के लिए, तो चलते हैं गाइस। उठ जाओ। हेलो। सो गाइस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अभी निकल रहे हैं वापस।
मंदिर में जो हवन चल रहा है उसकी सुगंध यहाँ तक आ रही है। तो भाई यहाँ चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का काम, फोर लेन का, और रोड की हालत खस्ता है, पाउडर तो भर भर के लग रहा है। तो गाइस हम अभी रुके हुए हैं, यहाँ का जो ग्रीन सोडा है वो ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे रुके हुए हैं। सोडा पीते पीते की याद आई कि आप लोगों से शेयर करो। नेक्स्ट जो राइड होने वाली है थोड़ा सी लंबी करेंगे, जैसे चंबा की जो राइड थी टोटल 4 एपिसोड थे उसके चंबा राइड के, तो वैसे ही नेक्स्ट राइड में प्लान सोच रहा हूँ कि ऐसे ही कोई राइड करूँ। तो दिमाग में दो प्लेसेस चल रहे हैं, कुल्लू या शिमला। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन से प्लेस पे जाना चाहिए राइड करने के लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और जो मुझे पसंद करते हैं, मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चलते हैं वापस, थोड़ी सी रेस्ट हो गई, अच्छा हुआ। तो चल दिए हम वापस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में, और ये देखो धौलाधार माउंटेन्स ढके हुए हैं बर्फ़ से, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर गई है इनके ऊपर। क्या ही सुंदर जगह है, पहाड़ मैदान एक साथ देखने को मिल रहे हैं और बीच में ये सुंदर रोड। ऐसे लग रहा है कि ये रोड सीधा पहाड़ों में चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इन पहाड़ों तक पहुँचने के लिए तो पूरा दो दो दिन लग जाते हैं। देखने में नज़दीक लगते हैं बट हैं दूर। भाई मजा आ रहा है लीन करने का बाइक को। इन रोड पे ना सच में गाड़ी चलाने का मजा आता है। और अभी पेट्रोल पंप है, तेल डलवा लेते हैं बिकॉज एक ही बार बचा है। बस भाई टोटल डला 10.7 लीटर। बस सो डलवा लिया है तेल, चलते हैं अभी। सो गाइस क्या ही सुंदर नज़ारा है, और सूर्य देवता भी अभी थोड़ी देर में अस्त हो जाएंगे। अभी टाइम 4:39 हो चुका है, धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर पता नहीं सबको रोक रखा है, पीछे तक बहुत लंबी लाइन है, मे भी ट्रेन आने वाली होगी या कुछ। यहाँ पे नैरो गेज चलती है, सो मे भी वही होगी, देखते हैं। अगर आती है तो दिखाऊंगा आपको कि हिमाचल में कौन सी ट्रेन चलती है। ओके काम चल रहा है, गाड़ी नहीं आ रही है, आगे निकलने की जगह नहीं है, कहीं काम चल रहा है रोड। फाइनली छोड़ा है, लो भाई लो, छोड़ा तो कहाँ जाएंगे। नगर निगम पालनपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। 1 घंटे का सफर और है घर तक का। यहाँ से हम लेंगे अभी राइट आगे से, शिमला आ जा मेरे भाई। ये आई शिमला चमुंडा, शिमला से आई है चाटे जी की बस। और अभी मैं वीकली एक ब्लॉग डाल रहा हूँ और हर फ्राइडे को एक ब्लॉग अपलोड करता हूँ शाम के 5 बजे। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा, जो मैंने आपको बताया कि शिमला या कुल्लू की एक सीरीज़ होगी, तो उससे कोई ब्लॉग आएगा नेक्स्ट। मिलता हूँ आप सभी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।